आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म की। डोजेस हमारे सॉलिड फॉर्म में भी आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, गैसियस फॉर्म में भी आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि टाइप के? सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है ड्रग क्या होती है। ड्रग इज़ डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज़ इन डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमंस। ड्रग एक ऐसा एजेंट है जो किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए, रिलीफ पाने के लिए, किसी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए, और किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, किसमें? ह्यूमन में। सो ड्रग मे बी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज़ इन डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन। अब डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म बनाने की ज़रूरत क्यों है? सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म, डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म में ड्रग आती है, तो क्यों ऐसा करना पड़ता है? टू प्रोटेक्ट द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन। एग्जाम्पल है इसका कोटेड टैबलेट्स एंड सील टैबलेट्स। कभी कभी हम लोग देखते हैं टैबलेट कोट पे कोट होता है या सील्ड एम्प्यूल्स में आते के फॉर्म में आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ओपन रहेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो एटमोसफियर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो से रिएक्शन कर जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, टैबलेट कोटेड टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, सील्ड एम्प्यूल्स के फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल है इसका एंट्रिक कोटेड टेबलेट। एंट्रिक कोटेड टेबलेट कौन सी होती है? एंट्रिक मीन्स इंटेस्टाइन। तो जो टैबलेट इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होती है वो सीधे जाके इंटेस्टाइन में इसका वो रिलीज़ होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, स्टमक कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस, उससे क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसलिए एंट्रिक कोटेड टैबलेट बनाते हैं, तो ताकि वो स्टमक में ना रिलीज़ होगी, वो सीधे जाके इंटेस्टाइन में रिलीज़ होती है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटीज़। एग्जांपल रेक्टल एंड वजाइनल सपोजिटरीज। सपोजिटरीज फॉर्म में ड्रग्स आती हैं क्यों? ताकि जो हमारी बॉडी में जो बॉडी कैविटीज़ है वहाँ पे अगर हमें मेडिसिन की ज़रूरत है तो क्या होता है, उस फॉर्म में सपोजिटरीज के फॉर्म में आती है। इस फॉर्म में वो क्या होता है, बॉडी कैविटीज़ में हम ड्रग्स को वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। टू प्रोवाइड द मैक्सिमम ड्रग एक्शन फ्रॉम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स पे ड्रग का ज़्यादा एक्शन पाने के लिए क्या होता है, क्रीम्स, ऑइंटमेंट फॉर्म में भी ड्रग्स आती हैं। टू प्रोवाइड अ सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोजेस। सपोज़ करिए अगर हमें 500 मिलीग्राम ही ड्रग चाहिए तो एक्यूरेट डोज कैसे टैबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डिफरेंट डोजेस फॉर्म बनाने के। अगर हमें कोई ऐसी ड्रग है जिसका जो टेस्ट है बहुत बिटर है, तो उस टेस्ट को मास्क करने के लिए भी ड्रग को हम लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं, उसमें हम स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट मिक्स कर सकते हैं ताकि उसे पेशेंट ईजिली ले ले। बात करते हैं डोजेस फॉर्म की। डोजेस फॉर्म कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या होते हैं। दो टाइप के होते हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म एंड बल्क डोजेस फॉर्म। तो यूनिट डोजेस क्या होते हैं, जब हम इनको काउंटिंग के हिसाब से 1 2 जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर्स, पिल्स, पाउडर के ऐसे आते हैं वो एक ही बार में लेते हैं, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, ये सब क्या यूनिट डोजेस फॉर्म है। बल्क मेनली पाउडर के फॉर्म में, जैसे इंटरनल यूज़ के लिए और एक्सटर्नल यूज़ के लिए। इंटरनल यूज़ में फाइन पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स, और एक्सटर्नल में डस्टिंग पाउडर्स, इनसफलेशंस, डेंट्रीफाइसिस, ये सब क्या हैं, बल्क फॉर्म में एक्सटर्नली यूज़ होते हैं। टैबलेट क्या होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म होती है, मेडिकामेंट कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। कैप्सूल्स जो हमारी जो मेडिकामेंट होती है, ड्रग होती है, वो क्या होती है, जिलेटिन कवरिंग में क्या के अंदर होती है, कि उसमें पाउडर फॉर्म में भी अंदर मेडिकामेंट हो सकते हैं, जेली फॉर्म में भी हो सकते हैं। पाउडर्स
फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, इंटरनली भी यूज़ हो सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ होते हैं। इंटरनली मतलब बॉडी के कैविटीज़ के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ होता है। पिल्स, पिल्स स्मॉल राउंडेड टैबलेट्स होती हैं। टैबलेट और पिल्स में यही डिफरेंस है कि जो टैबलेट होते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, लेकिन जो पिल्स होती हैं स्मॉल राउंडेड फॉर्म में होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बल्क, बल्क फॉर्म में सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होती है, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली में क्या है, डस्टिंग पाउडर्स। डस्टिंग पाउडर क्या होती है, हमारी स्किन पे अप्लाई होती है स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में। क्यों होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि अगर फाइन स्टेट में अप्लाई किए जाते हैं क्या, ताकि एक जो है लोकली जो इरिटेशन हो उसको कॉज ना करें। डस्टिंग पाउडर्स भी दो टाइप के होते हैं, मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स। मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स कौन से होते हैं, जो हमारी स्किन पे सुपरफिशियली अप्लाई किए जाते हैं, और जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं वो ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ किए जाते हैं, बॉडी कैविटीज़ के अंदर के यूज़ किए जाते हैं। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्टरलाइज्ड फ्री, मस्ट स्टरलाइज्ड मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यूज़ करने से पहले वो क्या होते हैं, शुड बी स्टरलाइज, स्टरलाइज फॉर्म में होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसफलेशंस की। इंसफलेशन क्या होता है, इंसफलेशन मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर होते हैं, जो कि क्या होते हैं इंसफलेटर, एक इंसफलेटर अपरेटस होता है, उसके थ्रू क्या होते हैं फाइन पाउडर जो है जहाँ एट द साइट ऑफ अप्लीकेशन लाइक नोज़ बॉडी कैविटीज जो होती है वहाँ पे पाउडर के फॉर्म में इंसफलेटर अपरेटस के थ्रू स्प्रे किए जाते हैं। इंसफलेटर के थ्रू फाइन पार्टिकल्स ऑफ मेडिकामेंट स्प्रे किए जाते हैं एट द साइट ऑफ अप्लीकेशन। साइट ऑफ अप्लीकेशन क्या होते हैं, इंसफ्लेशन कहाँ पे अप्लाई किया, तो बॉडी कैविटीज़ में लाइक नोज़, नोज़ वेजाइना, ईयर्स। इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं इंसफ्लेशन के, ड्रॉबैक्स ये होता है कि हमें जो एक एक्यूरेट क्वांटिटी स्प्रे करने में एक्यूरेट क्वांटिटी एट द साइट ऑफ अप्लीकेशन नहीं पहुंच पाती है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर स्लाइटली वेट एरिया है तो वहाँ पे क्या होगा, पाउडर क्लॉग, वहाँ पे क्लॉगिंग हो जाएगी, क्लॉग्ड हो जाएगा। वेट होने की वजह से फिर पाउडर होगा वो क्या होगा, क्लॉग्ड हो जाएगा एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं डेंटिफ्राइसिस की। डेंटिफ्राइसिस को हम क्या, टूथ पाउडर्स को ही टून डेंटिफ्राइसिस बोलते हैं। डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं, दे आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश फॉर क्लीनिंग द सर्फेस ऑफ टीथ। टीथ की को क्लीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, टीथ की सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश। टूथ पाउडर्स में क्या होता है, एक एब्रेसिव एजेंट होगा, एब्रेसिव एजेंट की वजह से ही जो जो फ्रिक्शन होता है वो एब्रेसिव एजेंट की ही वजह से होता है। एब्रेसिव एजेंट लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, ये सब हम एज अ एब्रेसिव एजेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें सोप होता है, जिसकी वजह से जो फोम होता है वो सोप की वजह से होता है। फ्लेवरिंग एजेंट होता है। ये तो था हमारा टूथ पाउडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नब्स की। स्नब्स भी फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म ही होता है, जो कि इनहेल किया जाता है इनटू द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रल मीन्स नोज, नोज में इनहेल किया जाता है। इसके जैसे आते हैं एंटीसेप्टिक्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स एट्सेट्रा, एंटीसेप्टिक एंड ब्रोंकोडाइलेटर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर पाउडर्स की। नेक्स्ट देखते हैं हम ईयर पाउडर्स। ईयर पाउडर्स क्या होते हैं, ईयर में पाउडर के फॉर्म में जो अप्लाई किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ईयर पाउडर्स। एंड ये तो था हमारे एक्सटर्नल में आएगा, डस्टिंग पाउडर्स, इंसफ्लेशंस, डेंटिफ्राइसेस, स्नब्स, ईयर ड्रॉप्स। नेक्स्ट आता है इंटरनली। इंटरनली क्या, सॉलिड डोजेस फॉर्म आते हैं फाइन पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स एंड इफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स। तो फाइन पाउडर, सिंपल फाइन पाउडर्स के फॉर्म में जो भी यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे स्किन पे अप्लाई किया जाता है, ये सब किस में आ जाएंगे, फाइन पाउडर्स।
स्किन पे तो अप्लाई किया जाता है वो डस्टिंग पाउडर्स होता है, यहाँ पे हम इंटरनली बात कर रहे हैं, तो इंटरनली जो हमारी बॉडी कैविटीज़ में अप्लाई किया जा रहा है उसे हम बोलेंगे फाइन पाउडर्स। नेक्स्ट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स क्यों बनाए जाते हैं, वैसे तो हम पाउडर के फॉर्म में भी दे सकते हैं लेकिन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में बनाने की, ग्रैन्यूल्स आपने देखा होगा बहुत सारी ड्रग्स छोटे छोटे दाने टाइप के आते हैं उन्हें ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो क्यों आते हैं ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, किसी भी ड्रग का जो बिटर टेस्ट है या नॉजियस टेस्ट है या कोई अनप्लेजेंट टेस्ट है तो उसको मास्क करने के लिए भी हम ग्रैन्यूल्स बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल और टैबलेट के फॉर्म में भी हम किसी भी ड्रग की टेस्ट को मास्क कर सकते हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिन्हें हम टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में नहीं दे सकते क्योंकि उनका जो अमाउंट होता है हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी के को रिक्वायर होता है। तो हम कैप्सूल यूनिट डोजेस फॉर्म में एक्यूरेट डोजेस चाहती है लेकिन हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है एक बार में, तो उस फॉर्म उसके लिए हम क्या करते हैं उसको ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक और रीज़न हो सकता है हम ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने का, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लिक्विड डोजेस फॉर्म में स्टेबल नहीं होती हैं, तो उस केस में भी हम उसका क्या, लिक्विड डोजेस फॉर्म में स्टेबल नहीं होती हैं और उनकी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत है तो हम उसको कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या करते हैं ग्रैन्यूल्स फॉर्म में ड्रग बना लेते हैं। ग्रैन्यूल्स फॉर्म में बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, ग्रैन्यूल्स फॉर्म के लिए एक ड्रग होता है मेडिकामेंट, ड्रग एंड मेडिकामेंट इज़ सेम, तो ड्रग मेडिकामेंट लेते हैं, जनरेटिंग एजेंट लेते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट लेते हैं और उसको क्या करते हैं हम शुगर के साथ मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद उसका हम कोहेरेंट मास बना लेते हैं, कोहेरेंट मास को हम एक तरह से एक लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं एक लड्डू टाइप का बना लेते हैं। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं सीव, सीव जिसको आप लोग चलनी बोलते हैं, सीव सुटिक्स की लैब में अवेलेबल होता है, सीव्स के डिफरेंट साइज के आते हैं उसके थ्रू हम उसको पास कराते हैं और ग्रैन्यूल्स हमारे नीचे आ जाते हैं। उसको फिर हम क्या करते हैं उसको हम ड्राई करते हैं। इसके ग्रैन्यूल्स फॉर्म में जो हमारी ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स आती हैं लाइक एंटीबायोटिक्स जैसे कि एथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, सॉल्ट, ये सब हमारी ग्रैन्यूल्स फॉर्म में ड्रग आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफरविसेंट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं। इफरविसेंट ग्रैन्यूल्स का हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं इनो। इफरविसेंट ग्रैन्यूल्स बनाने बनाने के लिए क्या क्या लेते हैं, इसमें मेडिकामेंट होता है, एसिड होता है सिट्रिक एसिड या टैट्रिक एसिड कुछ भी हो सकता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो एसिड एसिड है और सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है और इसके अलावा क्या है इसमें मेडिकामेंट। इसके अलावा इसमें और हम क्या डालते हैं स्वीटनिंग एजेंट लेते हैं लाइक सैक्रीन या सुक्रोज ऐड कर सकते हैं। जब हम लोग इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है जो हमारा एसिड और बेस, एसिड जो हमारा सिट्रिक एसिड या टैट्रिक एसिड है या जो बेस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है रिएक्ट करके कार्बोनेटेड वाटर बना लेता है और हमारी जो ड्रग होती है वो रिलीज हो जाती है। जो भी हमारा कार्बोनेटेड वाटर बनता है उसका काम क्या होता है, जो हमारा कार्बोनेटेड वाटर होता है वो क्या करता है HCl को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से जो इसके अंदर मेडिकामेंट होता है वो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या हो जाता है तेज़ी से होता है, उसके मेडिकामेंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर से रिपीट करें इफरविसेंट ग्रैन्यूल्स में क्या होता है, हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है, कोई एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड है सिट्रिक एसिड है और एक बेस होगा लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके अलावा तीसरी चीज़ होती है हमारी जो मेन ड्रग है जो हमें लेनी है। तो जब हम इसे वाटर में डालते हैं तो एसिड बेस क्या होता है रिएक्ट करके कार्बोनेटेड वाटर बना लेता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड का और हमारी ड्रग रिलीज होती है अलग से। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोनेटेड वाटर का क्या रोल होता है, ये हमारे जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है HCl है उसको स्टमुलेट करता है और ये क्या करता है हमारी जो ड्रग है मेन उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म भी दो टाइप के हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड बाईफेजिक। तो दोनों में सबसे पहले हम लोग को डिफरेंस समझना पड़ेगा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं एंड बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं। मोनो मीन्स सिंगल एंड बाई मीन्स टू। तो मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म क्यों बोला गया है, इसमें या तो एक फेज होगा लाइक लिक्विड ही होगा, लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें तो सिर्फ लिक्विड ही होगा, और बाई फेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में
मोनोफेजिक डोज, मोनोफेजिक क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें सिंगल फेज होगा। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर अप्लाई किया जाए, लाइक लिनीमेंट, लोशन, गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वाशेस, स्प्रेज, आई लोशंस, आई ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स। और इंटरनली बॉडी के अंदर जो अप्लाई किए जाते हैं वो हैं सिरप, एलिक्सर, लिंटस, ड्रॉप्स। उसको भी अभी वन बाई वन डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं बाईफेजिक लिक्विडोजिस फॉर्म क्या होते हैं। बाईफेजिक लिक्विडोजिस फॉर्म में दो फेज होंगे, सॉलिड लिक्विड दोनों होगा, या लिक्विड लिक्विड ये भी हो सकता है, लाइक इमल्शन। इमल्शन ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है। दो फेज हैं, एक ऑयल फेज है और एक ऑयल फेज है, एक वाटर फेज है। एक वाटर है, एक ऑयल है, दो फेज है, तो इसीलिए इसे बोला गया बाईफेजिक लिक्विडोजिस फॉर्म। इसमें भी दो टर्म आएंगे, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज जो जिसमें बिखरा हुआ हो, लाइक अगर वाटर के अंदर ऑयल है तो क्या होगा, ऑयल हमारा डिस्पर्स फेज हो जाएगा, और वाटर के अंदर है तो वाटर हमारा डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा। अगर सेम यही उल्टा हो जाए, अगर हमारा ऑयल में वाटर है तो हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज हो जाएगा, और जो हमारा वाटर है वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में भी दो फेज होते हैं, लेकिन जैसे इमल्शन में हमारा ऑयल और वाटर था, लेकिन सस्पेंशन के केस में हमारा लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल होगा। सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में होंगे उनको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जिसमें जो हमारा वाटर होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। हम देखते हैं मोनोफेजिक में इंटरनली जो होते हैं सिरप। सिरप क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्योरीफाइड वाटर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस सैचुरेशन से क्या समझते हैं, अगर सपोज़ करिए हमारे पास पानी है उसमें हम चीनी घोल रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी। जब हम चीनी ऐड करते जाएंगे, लेकिन एक टाइम के बाद आएगा कि चीनी नहीं घुलेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा जो वाटर है वो पूरी तरीके से शुगर से सैचुरेट हो गया है। तो जो हमारा सिरप होता है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है सुक्रोज का। उसमें जो शुगर की कंसनट्रेशन होती है वो 66.7% वेट बाई वेट होती है। अगर सिरप की कभी भी डेफिनेशन पूछते हैं तो हमें सिंपल लिखना है कि सिरप इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिरप इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड कंसनट्रेशन ऑफ सुक्रोज इज 66.7% वेट बाई वेट। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंटस। लिंटस क्या होता है, विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होती है। इसको सिंपली हम कफ के रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं। स्मॉल डोजेस के फॉर्म में होते हैं और सिंपली वाटर से डल्यूट करके लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉप्स। ड्रॉप्स क्या होते हैं, ये सिंपल लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं, ड्रॉप के फॉर्म में ले जाते हैं। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, फिश लीवर ऑयल्स, ये सब क्या होते हैं, ड्रॉप्स के फॉर्म में एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इसके लिए अगर हम इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये एज ए ड्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, एक प्री कैलिब्रेटेड ड्रॉपर। लाइक अगर हमें 1 ml लेना तो 1 ml का प्री उसको पहले से कैलिब्रेट कर, 1 ml का ही ड्रॉपर से हम उसको हम ऐसा ड्रॉप के फॉर्म में हम इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नली मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म एक्सटर्नली जो बॉडी के बाहर अप्लाई किए जाए, बॉडी पर अप्लाई किए जाए। लिनिमेंट्स, लिनिमेंट क्या होते हैं, लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, सेमी लिक्विड प्रिपरेशन होती है। पूरी तरीके से लिक्विड प्रिपरेशन भी हो सकती है, या इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। सेमी लिक्विड प्रिपरेशन भी हो सकती है, जो कि कहाँ अप्लाई किए जाते हैं, स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं। स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन। स्किन पे हम इसको फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करते हैं एंड रब करके, स्किन पे इसको हम रबिंग करते हैं और इसको सिंपली फ्रिक्शन के साथ अप्लाई किए जाते हैं।
सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है लिनिमेंट और लोशन में, लोशन को हम विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं और लिनिमेंट को हम विद फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। लिनिमेंट को हम ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते हैं, क्यों क्यों क्योंकि इसमें ये एक तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, और अगर हम इसको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, ये इरिटेशन कॉज करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लोशन। लोशन क्या होते हैं, अभी बताया विदाउट फ्रिक्शन स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे कि कॉटन वूल है या कोई गॉज है उसके थ्रू हम इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं। लेकिन लिनिमेंट को हम विद फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, स्किन पे रगड़ के साथ अप्लाई करते हैं, लेकिन लोशन को हम विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गार्गल्स की। गार्गल्स क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होते हैं और ये हम थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट माउथ वॉशेस हमारा जो माउथ जो बक्कल कैविटी है उसको डिओड्राइज करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, अडर को रिमूव करने के लिए। टेस्ट एक्वस सॉल्यूशन होता है और उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, प्लेजेंट टेस्ट होता है। जनरली इसमें क्या क्या होता है, माउथ वॉशेस में एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, लकोवल होता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है एंड कलरिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रोट पेंट्स की। थ्रोट पेंट्स भी विस्कस मीन्स थोड़ा गाढ़ा विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं और थ्रोट इन्फेक्शन में ही यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली ग्लिसरीन का यूज़ होता है। ग्लिसरीन का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि एक तो इस विस्कोसिटी जो लिक्विड प्रिपरेशन की होती है वो किसकी वजह से होती है, ग्लिसरीन की वजह से होती है। और विस्कस होने की वजह से क्या होता है, थ्रोट पेंट को जब हम माउथ में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ये क्या हो जाता है, एडहेयर एडहेयर मीन्स चिपक जाता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टे करता है और उसका जो एक्शन होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। स्वीटनिंग एजेंट इसमें ऐड करते हैं ताकि जो माउथ में ले रहे हैं तो जो इसका टेस्ट हो वो स्वीट हो। नेजल ड्रॉप्स क्या होती है, नेजल ड्रॉप नोज़ में वो सोल्यूशन ड्रग का सोल्यूशन फॉर्म होता है जो कि किस में इंस्टॉल किया जाता है, नोज़ में इंस्टॉल किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ ड्रॉपर। नेक्स्ट ईयर ड्रॉप्स ईयर सॉरी आई ड्रॉप्स जो होती हैं वो भी आईज़ में अप्लाई किए जाते हैं और ये कैसी होनी चाहिए, शुड बी स्टराइल। स्टराइल मीन्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसको भी हम ड्रॉपर के थ्रू आई में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई लोशंस की। आई लोशंस क्या होते हैं, आई लोशंस भी एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जिसको हम आईज़ को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बाईफेजिक में हम देख रहे हैं इमल्शंस। इमल्शन क्या होता है, बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है, दो फेज होते हैं, बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। टू इमिसिबल क्यों बोला गया है, दो अघुलनशील इमिसिबल, ये वाटर और ऑयल ऑयल का मिक्सचर होता है और वाटर और ऑयल एक दूसरे में मिसिबल नहीं होते हैं, इसीलिए इसका डेफिनेशन है प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स, जिसमें से क्या होगा, एक ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होगा। कभी हम आप पानी में ऑयल डाल के देखिएगा, जो ऑयल होगा ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में दिखेगा। तो जो हमारा वाटर होगा, अगर ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ऑयल है तो ऑयल को क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज, और वाटर के अंदर है तो वाटर को बोलेंगे कंटिन्यूअस फेज। अगर इसी का उल्टा हो जाए और इसे हम क्या किस टाइप का इमल्शन बोलेंगे, ऑयल इन वाटर, ऑयल हमारा ऊपर डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में दिख रहा है, जो वाटर है कंटिन्यूअस में है, तो ऑयल किस में है, वाटर में, तो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। एंड अगर सेम इसका उल्टा हो जाए, वाटर हमारा ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में हो और हमारा जो कंटिन्यूअस फेज में ऑयल हो, तो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन भी सेफ आई फेजिक डोजेस फॉर्म होता है, इसमें भी दो फेज होते हैं, एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है सॉलिड। सॉलिड डिस्पर्स सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं और डिस्पर्स होते हैं किसमें, लिक्विड में, और जो हमारा लिक्विड फेज होता है मेनली वो वाटर ही होता है। तो वाटर हमारा कंटिन्यूअस फेज होता है और जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स फेज होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर रखने के बाद क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसके लिए हम
सस्पेंशन की बॉटल्स पे आप ध्यान दीजिएगा, लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। क्यों लिखा होता है? ताकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो शेक करने से क्या होता है, पार्टिकल फिर से यूनिफॉर्मली पूरी जो हमारी बॉटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और जब हम वंस अगर हमें जितना भी 5 ml या 10 ml लेना है, तो वो जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो मेन पार्टिकल्स होते हैं, ड्रग के ही फॉर्म ड्रग ही होते हैं, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो हमारी बॉडी में यूनिफॉर्म एक सफिशियंट क्वांटिटी रहेगी। और इसको डिस्पर्स की कैसे होते हैं, इसके लिए हम इसमें एक सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स को सफिशियंट टाइम के लिए डिस्पर्स किए रहता है। सफिशियंट टाइम मतलब 1-2 मिनट, जितने मिनट हमको लेना है, थोड़ी देर के बाद वो फिर से सेटल डाउन होने लगता है। लेकिन जब हमें यूज़ करना होता है, हम जस्ट उसको शेक करते हैं और वो सफिशियंट टाइम के लिए पार्टिकल्स डिस्पर्स रहते हैं। ये प्रॉपर्टी किस वजह से आती है? सस्पेंडिंग एजेंट की वजह से आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म भी एक्सटर्नल और इंटरनली यूज़ होते हैं। एक्सटर्नल में आते हैं ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज एंड इंटरनली सपोजिट्री एंड पेस्ट्रीज। सेमी सॉलिड मतलब सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, उसका मिक्सचर होगा, विस्कस वाइब्रेशन होती है। एक्सटर्नली जैसे हम क्रीम्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे, ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं, पेस्ट अप्लाई करते हैं, जेलीज अप्लाई करते हैं, इंटरनली लाइक सपोजिट्रीज होते हैं, पेसरीज होते हैं। सपोजिट्रीज कहाँ अप्लाई करते हैं? हम बॉडी कैविटीज़ में अप्लाई करते हैं, ड्रग को इंसर्ट कर दिया जाता है बॉडी कैविटीज़ में, और क्या होता है, हमारा ड्रग धीरे धीरे रिलीज होकर अपना एक्शन शो करती है। तो ये तो था डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म की। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।